भगवान श्री कृष्ण को लोग 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन इन 56 तरह के पकवानों को चढ़ाने के पीछे क्या वजह है, आज हम आपको इन्हीं रोचक बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं 56 भोगों के चढ़ाने के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, चैनल पर आपका स्वागत है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 56 भोग क्या होता है। इस 56 भोग के पीछे कई पौराणिक कथा प्रचलित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में कन्हैया के रूप में जन्म लिया, तब वहाँ हर घर में खुशी का माहौल था। कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन ब्रज के निवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल हवन करने की तैयारी कर रहे थे। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये आयोजन क्यों किया जा रहा है? तब नंद बाबा श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले कि ये आयोजन वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। जब वे प्रसन्न होंगे तब अच्छी बारिश होगी और ब्रजवासियों द्वारा लगाई गई फसल अच्छी हो सकेगी। इंद्र के वर्षा के कारण ही हम सभी को अन्न और हमारी गाय बछड़ों के लिए घास चारा मिलता है। इतना सुनने के बाद कृष्ण जी तुरंत नंद बाबा से बोले, बाबा हमारी गायों बछड़ों को तो घास चारा गोवर्धन पर्वत से मिलता है, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। हम सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो इतने घमंडी हैं कि वो कभी किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं। कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात स्वीकार की और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये देखकर इंद्रदेव को लगा कि ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्रदेव ने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने पूरे ब्रज में भयंकर वर्षा की। ब्रज सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। ब्रजवासियों को अफसोस होने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सबकी मदद के लिए आगे आए और सभी ब्रजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ में मुरली ली और दूसरे हाथ की कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे आने को कहा। इंद्रदेव लगातार 7 दिनों तक ब्रज में भयंकर वर्षा करवाते रहे और भगवान श्री कृष्ण अपनी कानी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत लगातार 7 दिनों तक उठाए रहे और पर्वत के नीचे ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे। इतने दिनों तक श्री कृष्ण ने जल ग्रहण नहीं किया और भूखे रहे। जब 8वें दिन वर्षा बंद हो गई, तब सभी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से बाहर आने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ रहा करते थे, तब उनकी माँ उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाया करती थी और 8 बार अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराती थी ताकि कृष्ण को पेट भरकर खाना खिलाया जा सके। दिन में 8 पहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण लगातार 7 दिन तक भूखे रहे। माता यशोदा सहित सभी ब्रजवासियों ने 7 दिन और अष्ट पहर के हिसाब से 7 × 8 यानी 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। अगले 7 दिनों तक उन्हें दिन में 8 बार नए नए व्यंजन खिलाए गए। तब से आज तक 56 भोग की प्रथा चली आ रही है और लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 व्यंजन बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोल लोक में राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान है। उस कमल की 3 परतें हैं। इसके अंतर्गत पहली परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक पंखुड़ी में एक प्रमुख सखी और केंद्र में भगवान है। इस तरह पंखुड़ियों की कुल संख्या 56 है। यहाँ संख्या 56 का यही अर्थ है, अर्थात 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 1 माह तक प्रतिदिन यमुना नदी में स्नान किया, क्योंकि ये सभी कृष्ण को वर के रूप में पाना चाहती थी। स्नान के बाद सभी गोपियों ने माँ कल्याणी की पूजा अर्चना की ताकि उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उदापन स्वरूप गोपियों ने 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। जन श्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की बारात लेकर श्री राधा रानी को ब्याहने बरसाना गए थे, तो उनकी बारात के स्वागत सत्कार के लिए श्री वृष भांजी की ओर से 56 भोग लगाए गए थे। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले नंद बाबा, यशोदा माता और बलराम रेवती सहित मेहमानों की संख्या भी 56 ही थी। श्री कृष्ण को 56 भोग समर्पित करने वाले 9 नंद, 9 उपनंद, 6 वृषभानु, 24 पटरानी और सखाओं का योग भी 56 ही था। जन्माष्टमी के दिन पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है।
इस दिन कृष्ण के भक्त पूरा दिन कृष्ण का नाम जपते हुए व्यतीत करते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले छप्पन भोग में 16 तरह के नमकीन, 20 तरह की मिठाइयाँ और 20 तरह के मेवे चढ़ाए जाते हैं। इनमें मक्खन, खीर, दूध, चावल, बेसन से बने पकवान शामिल रहते हैं। छप्पन भोग चढ़ाने का भी एक नियम होता है। सबसे पहले भगवान पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर बेसन से बने पकवान या नमकीन दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में मिठाई चढ़ाई जाती है। छप्पन भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और मीठा, ये 6 रस के स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 तरह के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए छप्पन भोग का मतलब है वो सभी तरह का भोजन जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये विशेष रूप से जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाने वाला छप्पन भोग पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और बाद में इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छप्पन भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।